समस्या हमारा ना तो कोई आता है मैं गंज का बता दी पर कोई समझे नहीं सुने ही बस इतने जात रहे सब और कोई सुने नहीं सामने। भ्रष्टाचार की सीमाओं को पार करते हुए खरगोन जिले के बढ़वा जनपद की कोदबर बुजुर्ग पंचायत जहां पर ग्रामीण सरपंच और सचिव से परेशान है। पंचायत के लोगों का कहना है कि भवन निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया जिससे भवन की छत लटक गई है जहां कभी भी जनहानि हो सकती है। वहीं सीसी रोड न बनाकर उसका पैसा निकाल कर डकार मार गए। ऐसे कई काम है जिनको करवाया तो नहीं लेकिन पैसे निकाले गए हैं। वहीं भवन का निर्माण करने वाला ठेकेदार इंजीनियर का धोस देकर ग्रामीणों को धमका रहा है। पंचायत के लोगों द्वारा आला अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। बुजुर्ग क्या दिक्कत है पंचायत से? पंचायत में कोई काम नहीं है, भ्रष्टाचार चल रहा है। और क्या क्या भ्रष्टाचार चला है? ये सीसी रोड भी बना है उसमें भी पूरी राशि निकाली, रोड बना नहीं सीसी। अच्छा कहाँ का रोड की राशि निकाली गई है? ये अपने कोतबार से गांव से लगा के लक्ष्मण भाई के गांव से लगा के घर से लगा के मेन रोड तक का। कितना पेमेंट निकाला इन्होंने? वो है 4,72,000। अच्छा और ये भवन बना है, भवन कैसा है? ये भवन भी पूरा गिरा हुआ है, मतलब धसा हुआ है, उसमें पूरा छत चुका हुआ है, दीवाले टूट गई है। निर्माण हुआ, इस निर्माण से आप संतुष्ट हैं? नहीं। आपके अनुसार ये गुणवत्ता खराब है इस निर्माण की, तो इसकी शिकायत आपने अभी तक किसी को की है? ये इंजीनियर को बोला था तो इंजीनियर खुद का है वो ठेकावर क्या रवि है एक बारूल वाला जी, उसका आज बोला तो उसको वही काम मत करे, बोले कौन है रोकने वाला मेरे को दिखाओ, बोले कौन कहता है ऐसा? रवि बोल रहा था। रवि कौन है? ये है कुछ ठेकेदार या बारूल का इंजीनियर का। आपने सरपंच से कभी बात नहीं की क्या? सरपंच भी, सरपंच को बोला, सरपंच भी ध्यान नहीं रखता। कौन है सरपंच आपका? महेंद्र परिहार। मध्य प्रदेश नदी आयोग अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने खरगोन जिले के बढ़वा में एक दिवसीय दौरा किया। इस दौरान स्थानीय शराब फैक्ट्रियों और नदी तट का औचक निरीक्षण किया। मीडिया से चर्चा करते हुए बाबा ने बताया कि पूर्व भाजपा सरकार ने नर्मदा नदी को लूट खाया है, इसीलिए जनता ने इस बार कांग्रेस को जनादेश दिया है। पहले कार्यवाहियां नहीं होती थी, कमलनाथ सरकार मां नर्मदा कल कल बहती रहे इसके लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। नदियों को प्रदूषण एवं नदी तट को अवैध खनन से बचाने के लिए हम यथासंभव प्रयास करेंगे। इसके बाद कंप्यूटर बाबा ने स्थानीय शराब फैक्ट्रियों, बैग फैक्ट्री और नर्मदा तट का भी निरीक्षण किया। शासन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर अपशिष्ट पदार्थों का निपटान एवं प्रदूषित जल के शोधन का संयंत्र का अवलोकन देखकर वे संतुष्ट हुए। इसके बाद मीडिया के माध्यम से नागरिकों को जानकारी देते हुए बताया, यदि किसी भी नागरिक को नदी जल में प्रदूषण की सूचना अथवा शिकायत देना हो तो वे निःशुल्क दूरभाष 1800120106106 पर संपर्क कर सकते हैं। बड़वाह से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। कौन सा गंदा पानी पहुंच रहा है फैक्ट्रियों पर उसको निरीक्षण के लिए आ रहा है बड़वा में। गुरु जी इसमें मीडिया ने मुद्दा उठाया उसके बाद की कार्रवाई नहीं, उसमें आपके क्या आदेश रहे? गलत बात है, कार्रवाई होना चाहिए। मीडिया नहीं आम पब्लिक भी किसी बात को उठाती है तो कार्रवाई होना चाहिए। आज मैं आया हूँ जिले के सारे अधिकारियों को मैंने यहाँ बुला के रखा और हमारे साथ सभी अधिकारी हर फैक्ट्री में जा रहे थे। आज हमारा निरीक्षण का है कि हर फैक्ट्री में कहाँ से पानी गंदा जाता है नर्मदा में उसको देखेंगे, यदि गंदा पानी जाता है तो तत्काल उसको बंद कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। और जिन्होंने पूर्व में पानी छोड़ा सर उनका क्या होगा? जिन्होंने छोड़ा है उस समय भी उस कार्रवाई हुई होगी, यदि नहीं हुई होगी तो होगी, मैं उसके लिए संबंधित अधिकारी से बात करूंगा। और इसमें आप क्या कर रहे हैं, अवैध उत्खनन के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अवैध खनन उत्खनन के लिए किसी हालत में नर्मदा पे अवैध खनन नहीं होगा, सहायक नदियों में अवैध खनन नहीं होगा, यदि होगा तो तत्काल कार्रवाई होगी और गाड़ियां राजसात करेंगे। सर इसमें राजसात आज तक गाड़ियां नहीं हुई है, कब से नियम बने हैं क्या कारण है? नहीं वो बीजेपी सरकार थी उस समय, शिवराज सरकार थी, उन्होंने तो हमारी मां नर्मदा को लूट खाया, इसीलिए तो जनता जनार्दन ने और मां नर्मदा की शराब से ही सरकार चली गई और अब कांग्रेस सरकार आई है। तो मनसा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की नर्मदा कलकल बहे, तो कलकल बहने के लिए हम लोग इसकी मेहनत कर रहे हैं, किसी हालत पे आने वाले समय में अवैध खनन नहीं होगा। आज का फैक्ट्रियों का निरीक्षण भी करेंगे? आज जो फैक्ट्री का गंदा पानी नर्मदा में जा रहा जिनकी शिकायत मिली है, हम नर्मदा में किसी हालत में किसी भी फैक्ट्री का मध्य प्रदेश में किसी भी नदियों में नर्मदा में पानी नहीं जाने देंगे, गंदा पानी यदि जाएगा तो तत्काल कार्रवाई करेंगे। श्रावण मास के पहले